पुरानी वाली रॉयल एनफील्ड की वीडियो डाली थी तो उसमें कई लोगों के कमेंट आए थे कि इसकी आवाज़ सुननी है और इसकी टेस्ट ड्राइव, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसकी आवाज़। तो वीडियो आगे देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए और आगे देखते रहिए, कंटिन्यू वॉचिंग। गाइस आप देखते हैं ये मैं सब रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350X को राइड कर रहा हूँ और ये एक टेस्ट ड्राइव है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो इसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे कि मैंने जो कमेंट्स देखे थे कि आपके दिक्कत होती है आपको हैंडल, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कितना फ्रीली मैंने पकड़ रखा है हैंडल। और बस आगे देखते रहिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा वीडियो को। Thank you. तो गाइस मैंने इस बाइक को जब राइड किया तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिसका जवाब मैं आगे आपको लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस आपने मेरे पिछली वीडियो में पूछे थे, तो अब इसके आपको जवाब मिल जाएंगे सारे जो भी आपने पूछे थे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू। सो गाइस पहला क्वेश्चन जो ये था वो ये था कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, क्लासिक या फिर थंडरबर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ ताकि आप खुद इसको डिसाइड कर सकें। जो उसका प्राइस है इंडिया में वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का, वो है 1.35 लाख जो कि एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली में, और थंडरबर्ड 350 का है 1.45 लाख एक्स शोरूम प्राइस। और साथ ही साथ जो फ्यूल एफिशिएंसी है दोनों की वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की है 37 km/h और थंडरबर्ड 350 की है 40 km/h। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थंडरबर्ड ही लें, क्योंकि क्लासिक आजकल आपको हर किसी के पास क्लासिक देखने को मिल जाएगी, तो कोई नया लेने में अच्छा लगता है। जब जैसे कि आप थंडरबर्ड 350 इतनी अभी नई चली तो अगर आप वो लें, वैसे आपकी मर्ज़ी है, दोनों के प्राइस मैंने आपको बता दिया है, स्पेसिफिकेशन मैंने बता दी हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहेंगे। सो गाइस द सेकंड क्वेश्चन इज़ थंडरबर्ड 350X में ऐसा क्या है जो लोग उसे ले रहे हैं, ऐसा क्या नई चीज़ है उसमें। तो उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें सबसे पहले आपको मिलेंगे एलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स, गन स्लिंगर स्टाइल सीट्स एंड न्यूली पोजिशन हैंडल बार्स। और इसके दो कलर्स हैं 350X के, जैसा कि मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता सका हूँ, वाइट कलर जो कि मैंने लिया है और एक है रेड कलर, रोविंग रेड कलर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 इज़ What's the top speed or comfortable speed in Thunderbird 350X? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350X है वो उसकी टॉप स्पीड है 110 km/h एंड इट कैन ऑल्सो स्प्रिंट फ्रॉम 0 to 60 km/h इन 5.6 seconds। एंड वही अगर हम थंडरबर्ड 500X लें तो उसकी 130 km/h होगी और इट कैन ऑल्सो स्प्रिंट टू 0 to 60 km/h इन 5 seconds। इज द फोर्थ क्वेश्चन इज माइलेज इन सिटी एंड हाईवे। तो इसकी जो थंडरबर्ड 350X की जो माइलेज है सिटी में वो है 30 km/h और हाईवे में है 40 km/h। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज गिव अ समरी एंड क्विक फैक्ट्स अबाउट थंडरबर्ड 350X। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ बता दूंगा इस बाइक के बारे में, सारी स्पेसिफिकेशन और इस बाइक में क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसकी जो बॉडी टाइप है वो है क्रूज़र, फ्यूल टाइप है पेट्रोल, माइलेज है 35 to 40 km/h के अप्रॉक्स, और इसका जो प्राइस है इंडिया में वो है 1.60 लाख लेकिन वो है एक्स शोरूम प्राइस, तो आपको ये 1.76 के अप्रॉक्स पड़ जाएगी अगर आप कहीं से लेंगे। और इसके जो कलर्स हैं वो है रेड और वाइट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और इसकी जो वारंटी है इंडिया में 2 ईयर्स और 20,000 किलोमीटर्स। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये बुक कराते हैं और
और आपको वेटिंग मिलती है 2 months की, तो वो आपको 2 months से पहले ही दे देंगे। वो आपको 2 months की वेटिंग इसलिए कहते हैं ताकि आप उन्हें बार बार परेशान ना करें। तो आपको वो अगर 1 month की वेटिंग कहते हैं तो आपको 1 month से पहले दे देते हैं। तो अगर इंजन के बारे में कुछ बताऊँ आपको मैं, तो वो है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड, फ्यूल सिस्टम है UCALBS29 और डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी वो आपको पता ही है 350, लेकिन 346 वैसे होती है, उसमें 350 नहीं होती। और नंबर ऑफ सिलेंडर्स 1, BS4 इसका एमिशन स्टैंडर्ड है, और साथ ही साथ इसके जो नंबर ऑफ़ गियर्स हैं वो है 5, और क्लच वेट मल्टीप्लेट। और अगर मैं इसकी बात करूँ कुछ सस्पेंशंस और व्हील ट्रैवल की, तो वो है फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक 41mm फोक्स 130mm ट्रैवल, एंड रियर सस्पेंशन में ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर्स विथ 5-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड 80mm ट्रैवल। और अगर मैं कुछ बात करूँ इसके ब्रेक्स और सेफ्टी के बारे में कि आपको इसमें ब्रेक्स वगैरह और सेफ्टी में क्या क्या मिलेगा, तो फ्रंट ब्रेक जो होगी वो होगी 280mm डिस्क की और 2 पिस्टन कैलिपर, और रियर ब्रेक जो वो होगी 240mm डिस्क एंड सिंगल पिस्टन कैलिपर इसमें। लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होगा। और इसमें जो अगर मैं आपको कुछ बताऊं इसके परफॉर्मेंस और माइलेज के बारे में, तो टॉप स्पीड 110 km/h, माइलेज सिटी में होगी 30 km/l, माइलेज हाईवे में होगी 40 km/l, और माइलेज अगर हम कंबाइन करके देखेंगे तो वो होगी 35 km/l। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी इसकी 20 लीटर्स की। तो दोस्तों ये है कुछ क्वेश्चन जिसके मैंने इसमें जवाब दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे मेरे चैनल से। तो थैंक यू और गुड बाय।